So molecular basics of inheritance, we are continuing our chapter, and before this lecture we have studied up to the transcription topic, and along with transcription we have also seen the different types of RNA, messenger RNA, then ribosomal RNA and transfer RNA. Two models of transfer RNA we have seen, clover leaf like model and hair pin like model. Now we will study the topic, it is the translation. So before this we studied about transcription, and according to the central dogma concept given by Crick in 1958, all the information for the synthesis of protein is stored in the DNA. So we have seen the information is passed in the first step from DNA to RNA. So from DNA to RNA, messenger RNA is synthesized, mRNA, and then from mRNA to protein. So this is called as the central dogma of protein synthesis, and it was given by Crick. In this, the first step is the formation of messenger RNA from the DNA. It is called as transcription. It is called transcription, and the formation of polypeptide chain or protein from the messenger RNA is called as translation. So we have studied in previous lecture about transcription. In this lecture we will study the translation process. So we will see the process of translation. So first of all we will define the translation, then we will see the mechanism of the translation. हम लोग इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं, पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं. तो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का किसको कहते हैं? सो सिंपली इट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ polypeptide chain from messenger RNA. This is the definition, formation of polypeptide chain from mRNA, messenger RNA से polypeptide chain का बनना. इस process को कहा जाता है translation होना. Actually ये जो process है, ये messenger RNA का structure जब हम लोगों ने study किया था तो वहां देखा था के मैसेंजर आरएनए पर जो है वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, दैट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड, एंड दैट जेनेटिक कोड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रिपलेट कोडॉन. ईच ट्रिपलेट कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग वन अमाइनो एसिड. दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी चीजें हमने स्टडी की हैं इसके पहले के लेक्चर्स में. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एक्चुअल मैकेनिज्म जो प्रोटीन सिंथेसिस का है वो यहां पर अभी हम लोग देखते हैं. तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो सब स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप है इट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड,
What is mean by activation of amino acid? देखो अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारे जो साइटोप्लाज्म है सेल का यूकेरियोट्स के अंदर, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में। मैं यहां लिख देता हूं, ये पूरा प्रोसेस होता है यूकेरियोट्स के लिए, हम लोग देख रहे हैं, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। तो मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन होके, उसके ऊपर उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है, हमने देखा था स्प्लाइसिंग है, कैपिंग टेलिंग है, ये प्रोसेस होते हैं, और फिर वो मैसेंजर आरएनए किसी न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, जो कोड लेकर के आता है डीएनए से, उस कोड की डिकोडिंग होती है और फिर उसका कन्वर्जन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर में। तो जब न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस चलती रहती है, उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है, उसी टाइम पर एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में साइमल्टेनियसली हो जाता है फॉर यूकेरियोट। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड का एक्टिवेट होना मतलब क्या? तो इसको हम आसानी के लिए ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कर लो कि ये हमारा एक कोई यूकेरियोटिक सेल है, and inside this eukaryotic cell suppose this is the nucleus, double membrane structure है nucleus, it is the cell organelle, यहाँ पर इसके अंदर nuclear pores में यहाँ दिखा लेता हूँ, so these are the nuclear pore, सिंथेटेज।
अमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज। तो अब ये अमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज जो होता है ये एंटीकोडॉन को भी पहचानता है और उसके रिस्पेक्टिवली जो अमाइनो एसिड होता है साइटोप्लाज्म में उसको भी पहचानता है। अब जैसे सपोज कर लो यहाँ पर यूएसी है, तो यूएसी को अगर हम कोडॉन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ए, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का जी, तो ये बन जाता है ए यू जी। और हमको मालूम है कि ए यू जी जो है ये किसको कोड करता है, ए यू जी जो है ये कोडॉन है फॉर मीथियोनिन। तो अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज जो है मीथियोनिन को सर्च करता है यहां से पूरे साइटोप्लाज्म में और वो मीथियोनिन को ला करके यहाँ पर इसके इस बाइंडिंग साइट के ऊपर जो 3' इसका बाइंडिंग साइट है, इस 3' वाले बाइंडिंग साइट पे यहाँ पर मीथियोनिन को अटैच कर देता है। तो अब ये जो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ में अटैच हुआ है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया और इसी प्रोसेस को, एक्टिवेशन के प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो ये यहां पर अटैच हो गया रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही ए सी ए को अगर हम जो है कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है यू जी यू। और टेबल में यू जी यू अगर आप देखेंगे, जो लास्ट टाइम हमने टेबल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो यू जी यू जो है ये कोड करता है सिस्टीन को। तो यहां पर सिस्टीन नाम का अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। ऐसे ही ए सी सी जो है ये एंटीकोडॉन है फॉर ट्रिप्टोफैन, तो यहां पर ट्रिप्टोफैन आके अटैच हो जाएगा ट्रिप। तो ये इस तरह से सभी जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं उनके एंटीकोडॉन के हिसाब से उनके ऊपर अमाइनो एसिड से जाकर के अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का एक्टिवेट होना। और इसके अंदर जो है एटीपी और जीटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं। तो ये पहली स्टेप है एक्टिवेशन की। फिर सेकंड जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। Formation of polypeptide chain. Polypeptide chain का बनना। तो ये जो process है, ये बड़ा process है as compared to activation, थोड़ा time taking है। और इसको भी हम अपनी convenience के लिए तीन sub steps में divide कर लेते हैं। तो इसमें जो first step है, वो है initiation process, शुरू होना प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस का। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इलोंगेशन प्रोसेस, इनिशिएशन है इलोंगेशन। और तीसरी स्टेप है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन जो प्रोसेस है ये कहां से शुरू होता है, अब इसमें इनिशिएशन जो है ये सपोज कर लो कि हमारा मैसेंजर आरएनए है, एक तरफ इसके 5' एंड है और इस तरफ यहां पर 3' एंड है। हमने स्ट्रक्चर देखा था, यहां पर जो है कुछ नाइट्रोजन बेसेस रहते हैं जिनको हम यूटीआर कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। और फिर यूटीआर के आगे यहां पर इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन होता है जिसको हम, जो हमारा है ए
UG and it codes for methionine. तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले राइबोसोम्स जो है वो आकर के अटैच होते हैं, जिसको कहा जाता है राइबोसोमल असेंबली। तो पहले स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो आके अटैच होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का जब यहाँ पे आके अटैच होता है, तो प्रोकैरियोट के लिए जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30S। सपोज कर लो ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये आकर के यहाँ पर अटैच हुआ एंड दिस इज द 30S सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। फिर नेक्स्ट स्मॉलर सब यूनिट के बाद में नेक्स्ट जो इवेंट है वो है इनिशिएटर कोडॉन का आना, इनिशिएटर कोडॉन के ऊपर आकर के ट्रांसफर आरएनए का, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए का अटैच होना। तो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए जो है वो यहां पर आकर के अटैच होता है। यहां पर सीक्वेंस में हम जाएंगे, अभी इस चीज को हम डायग्रामेटिकली भी देखने वाले हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर एक ट्रांसफर आरएनए, सपोज कर लो ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है यू ए सी, यहां पर है मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड जो कि एक्टिवेशन में हमने देखा। अब इसके ऊपर जो है यहां लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट जो राइबोसोम का होता है वो 50S होता है फॉर प्रोकैरियोट और 60S होता है फॉर यूकैरियोट। सो 30 एंड 50S फॉर प्रोकैरियोट एंड 40 एंड 60S फॉर यूकैरियोट। तो यहां पर जो लार्जर सब यूनिट होता है इसके तीन साइट होती है, जिसमें जो एक साइट होती है उसको कहते हैं हम ए साइट, जहां से एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए एंटर होता है। एक जो साइट होती है उसको कहा जाता है पी साइट और एक साइट जो है यहां पर उसको ई साइट कहते हैं, हम देखेंगे डायग्राम में अभी एग्जिट साइट। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहला अमाइनो एसिड होता है मतलब मिथियोनिन वाला, ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड, ये डायरेक्टली जो है वो पी साइट पे आके अटैच होता है, पी साइट पर अटैच होता है फर्स्ट वाला। प्रोकैरियोट के केस में मिथियोनिन जो है वो एन फॉर्मिल मिथियोनिन होता है, फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन, और यूकैरियोट्स के अंदर मिथियोनिन होता है डायरेक्ट, तो ये पी साइट पे आके अटैच होता है। तो ये यहां पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड उसके ट्रांसफर आरएनए के साथ में लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और कुछ यहां पर रिक्वायर होते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स, मतलब ट्रांसलेशन को शुरू करवाने वाले फैक्टर्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है यहां, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और ये हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो होती है इलोंगेशन की। तो इलोंगेशन प्रोसेस मतलब कि हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। तो ये आगे के कोडॉन जो है जब कैरी होते हैं तो उस पर होता है, सपोज यहां पर हम दिखा देते हैं कुछ और कोडॉन, ये जो हमारा राइबोसोमल असेंबली है लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये कोडॉन स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन होना। लेकिन ट्रांसलोकेशन के साथ में जैसे ही ये ट्रांसलोकेशन होता है फौरन ही उस ट्रांसलोकेशन और न्यू अमाइनो एसिड का आना, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है। दूसरा अमाइनो एसिड आता है और वो पहले वाले अमाइनो एसिड पर अटैच हो जाता है। जैसे ही पहला अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए यहां से छोड़ जाता है और ये ई साइट से निकलकर वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इसको अभी हम लोग जो है वो डायग्राम पर देखते हैं, आगे प्रोजेक्टर पर देखते हैं इसको हम लोग। ओके, सो दिस इज द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए ऑन द मैसेंजर आरएनए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन दिखाई हुई है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए और ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। सो दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो कि आके इसके ऊपर बाइंड हुआ है। और फिर नेक्स्ट जो है वो इनिशिएटर टीआरएनए है। तो ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है ये है एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए कैरिंग द फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथियोनिन।
जो ग्रीन कलर का यहाँ पे सर्कल दिखाया हुआ है ये है मिथियोनिन अमाइनो एसिड, ये यहाँ पर बाइंड है, तो ये आकर के यहाँ पर इसके कोडॉन के साथ और इसके एंटीकोडॉन मतलब ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन और मैसेंजर आरएनए के कोडॉन इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बन जाती है। नेक्स्ट ये लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम है, सो लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम यहाँ पर आकर के बाइंड हो रहा है इसके साथ में, यहाँ पर दिखाया हुआ है दिस इज द लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। Now this larger subunit of ribosome get bind here. Here you can see the three sites, तीन साइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, A site, T site और E site. तो ये तीन sites हैं यहाँ पर, A site है, P site है और E site है. So यहाँ देखिए, पहले ये first activated transfer RNA है, ये आकर के bind हुआ है P site को. और अभी ए साइट और ई साइट जो है ये एम्प्टी है। नेक्स्ट जो है अगला इवेंट इलोंगेशन जो होता है, तो इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में यहां पर नेक्स्ट ये बी वाले डायग्राम में आप देखिए तीन सिक्वेंशियल इवेंट्स यहां पर दिखाए हुए हैं। तो यहां पर देखो फर्स्ट वाला जो अमाइनो एसिड जो पी साइट पर था, ये वाला फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड जो पी साइट पर था, इसका अमाइनो एसिड नए आने वाले ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ गया है यहाँ पे, इनके बीच में जो है वो बॉन्ड बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड इनको जो है वो होल्ड करता है, और इस पेप्टाइड बॉन्ड की जो कैटालिसिस है वो एक राइबोजाइम है वो परफॉर्म करता है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। तो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज जो है इसको आपस में ज्वाइन कर देता है। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा कि ये जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए है पहला वाला जो पहले पी साइट पर था, ये शिफ्ट होकर के जो है अभी ई साइट, ये वाली साइट है, ये ई साइट से बाहर निकल जाएगा, यहां पर देखिए आप ये ई साइट की तरफ आ गया है, और ये जो ए साइट पर ट्रांसफर आरएनए था ये अब शिफ्ट होकर के यहां पर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये आ चुका है पी साइट पर। याद रखिए ये ए साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है। तो फर्स्ट वाला जो है ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर था, सेकंड वाला जो है वो ए, सेकंड और उसके आगे के जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं ये सब पहले ए साइट पर आएंगे और फिर ये शिफ्ट हो गया यहां पर, ये पी साइट की तरफ चला गया, और जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए था ये एग्जिट साइट से मतलब ई साइट से बाहर निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और फिर वहां पर उसका एक्टिवेशन होगा और नेक्स्ट अमाइनो एसिड जब जरूरत होगी आगे कोडॉन के हिसाब से तो वो लेकर आएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो ये शिफ्ट हो गया, यहां आ गया पी साइट पर जो सेकेंड वाला अपना ट्रांसफर आरएनए था, और ये अमाइनो एसिड जो पहला वाला था ये इससे आकर के यहां पर जुड़ गया है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड दिखाया हुआ है, दिस इज द पेप्टाइड लिंक, और इसको सिंथेसाइज करता है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज जो कि एक तरह का राइबोजाइम है। राइबोजाइम किसको कहते हैं, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम, यानी ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट फिर जो है यहां पर देखिए आगे इलोंगेशन दिखाया गया है, बहुत सारे धीरे धीरे अमाइनो एसिड एक के बाद एक आकर के यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं, और ये जो अमाइनो एसिड के आने मतलब ट्रांसफर आरएनए के जरिए उसको यहाँ लाने और यहाँ पर जुड़ने का जो काम है ये बहुत स्पीड में होता है, इट टेक्स लेस देन 0.1 सेकेंड, तो बहुत फास्ट ये प्रोसेस होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर देख रहे हैं आपके बनते चली जा रही है, और फिर नेक्स्ट यहां पर ट्रांसफर आरएनए आता जा रहा है, देखिए तो इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस, तो इसी को हम कहते हैं इलोंगेशन, जो अभी हमने वहां पर तीन स्टेप्स दिखी थी बोर्ड पर, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये इलोंगेशन हमने यहां पर देखा, इनिशिएशन मैंने यहां पर ये डायग्राम में बता दिया था, वहां पर बोर्ड पर भी मैंने बता दिया था। नाउ टर्मिनेशन क्या होता है, ये राइबोसोम की दोनों जो यूनिट्स हैं लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स ये एक एक कोडॉन स्टेप आगे बढ़ती जाती है जिसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब ये ट्रांसलोकेशन होते होते फाइनली एक ऐसा कोडॉन आ जाता है जिसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। आपने पढ़ा था कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता,
तो स्टॉप कोडॉन जो है तीन होते हैं, UAA, UGA और UAG। तो कोई भी स्टॉप कोडॉन जब आता है तो वहां पर ट्रांसफर आरएनए आकर के बाइंड नहीं होता। ये आप ब्लू कलर का एक प्रोटीन फैक्टर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर आकर के अटैच हो जाता है, और ये ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर जो होता है ये एटीपी और जीटीपी जो इसको होल्ड करके रखते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, उनको इनहिबिट करता है। और फिर उसके बाद में यहां पर डिसोसिएशन हो जाता है। डिसोसिएशन किसका? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये दोनों जो है वो मैसेंजर आरएनए को इस लाइन को छोड़ देते हैं, तो मैसेंजर आरएनए फ्री हो जाता है और लार्जर स्मॉलर सब यूनिट भी फ्री हो जाते हैं, और फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्दर प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब यहां तक प्रोसेस जो है समझ लीजिए कि कंप्लीट हो गया, और ये रिलीज्ड एमआरएनए है और ये ट्रांसलेशन टर्मिनेशन फैक्टर है। बाद में ये रिलीज वाला जो आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जैसे ही यहां से छूटता है राइबोसोम से ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम। कभी ऐसा भी हो जाता है कभी कि एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है एक ही टाइम पे सेम टाइम पे बहुत सारे राइबोसोम की जो यूनिट्स होती है साइमल्टेनियसली अटैच्ड दिखती हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब सेम सीक्वेंस के पॉलीपेप्टाइड चेन मल्टीपल टाइम सेल्स पे रिक्वायर होते हैं। सो इट सजेस्ट द एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। और एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स का एक दूसरे से अटैच रहना, यहां पर दिखना, दिस फिनोमिनन इट इज कॉल्ड एज द पॉलीजोम कंडीशन। इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं। तो एक ही मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोमल असेंबलीज का दिखना, तो ये सजेस्ट करता है एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। तो यहां पर हम देख सकते हैं तीन इवेंट्स हमको दिखाए हुए हैं, इनिशिएशन पहले वाले डायग्राम में, फिर इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन यहाँ नीचे के डायग्राम में। तो ये तीनों डायग्राम है आप लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पर ये इनिशिएशन प्रोसेस पूरा दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगल ट्रांसफर आरएनए अटैच है, फिर उसके बाद ये इलोंगेशन प्रोसेस है और यहाँ पर ये टर्मिनेशन प्रोसेस। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन का पार्ट। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है जीन रेगुलेशन पार्ट। सो जीन रेगुलेशन जो पार्ट है, पहले तो हम ये देखेंगे कि जीन रेगुलेशन किसको कहते हैं। देखिए जीन रेगुलेशन का मतलब होता है कि जिस वक्त किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के प्रोडक्ट सेल में रिक्वायर होते हैं उस वक्त जो है उसके प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं, और जब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहां हमको विद रिस्पेक्ट टू वन एग्जांपल स्टडी करना है। ये जो यहां पर डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन एंड इट इज सीन इन प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर। इसको सबसे पहले जेकब एंड मोनॉड नाम के साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर किया। सो ये जीन रेगुलेशन की वन ऑफ द प्राइमरी एग्जांपल है, और भी बहुत सारे जो है इस तरह के एग्जांपल्स हमको हायर स्टैंडर्ड्स में स्टडी करने को मिलते हैं। देखेंगे कि ओपेरॉन किसको कहते हैं। ओपेरॉन, ओपेरॉन जो होता है इट इज द सेट ऑफ जीन हैविंग रिलेटेड फंक्शन। मतलब जीन का ऐसा सेट, ऐसा ग्रुप जिसके फंक्शन आपस में जो है वो रिलेटेड हो, उसको कहा जाता है ओपेरॉन। तो यहां पर आप ये पूरा जो सीक्वेंस देख रहे हैं, ये PIPOZYA, ये पूरा जो है ये सेट ऑफ जीन है, पूरा ग्रुप ऑफ जीन है, इट इज कॉल्ड एज द ओपेरॉन। और यहां हम जो ओपेरॉन पढ़ रहे हैं इस ओपेरॉन का नाम है लैक ओपेरॉन। यहां देख सकते हैं आप लैक ओपेरॉन। तो लैक यहां पर स्टैंड करता है लैक्टोज के लिए, इट स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, द लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन जो है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अब यहां पर ऊपर जो है ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पहले ओपेरॉन है, उसके बाद में हम इसका रेगुलेशन देखेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर टोटल जो है वो कितने जीन है। ये एक यहां पर जो है वो पी स्टैंड करता है प्रोमोटर के लिए, सो पी स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर।
और आई जो एक जीन यहां पर देख रहे हैं, इट इज द रेगुलेटर जीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेसर जीन। फिर यहां पर एक प्रोमोटर और है, सो दिस इज द प्रोमोटर, अगेन प्रोमोटर जीन, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम और इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर। फिर उसके बाद में यहां पर एक ऑपरेटर जीन है, ओ लिखा हुआ है, ऑपरेटर जीन। फिर ये तीन जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई ए। तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है और इस तरफ के जो तीन है आई पी ओ, इसको हम रेगुलेटरी कंपोनेंट्स कहते हैं, ओपेरॉन का रेगुलेटरी कंपोनेंट। और ये जो तीन है इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो ये तीन स्ट्रक्चरल है और ये तीन यहां इस तरफ रेगुलेटरी कंपोनेंट्स है। देन यहां पर हम इसका रेगुलेशन देखते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इट इज अ नॉर्मल बैक्टीरिया, इसको दो तरह के कल्चर मीडियम पे हम ग्रो कर सकते हैं। एक तो इसको हम नॉर्मल कल्चर मीडियम जिसके अंदर ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पे ग्रो कर सकते हैं, और या के फिर इसको जो है हम लैक्टोज पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज के ऊपर ग्रो किया जाए या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ग्लूकोज मिलता है, मतलब लैक्टोज अब्सेंट रहता है, तो ये जो पूरा ओपेरॉन का सेट आप यहां देख रहे हैं, पूरा जीन का सेट, ये डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये इनएक्टिव हो जाता है। ये पूरा सेट उसी वक्त एक्टिव होता है जब मीडियम में इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, और इंड्यूसर यहां पर जो है वो लैक्टोज है, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो उस वक्त ये पूरा सेट ऑफ जीन जो है जिसको हम लैक ओपेरॉन कह रहे हैं ये एक्टिवेट होता है। तो इसके हमने जो है वो जीन तो देख लिए अलग अलग कौन कौन से हैं, आई पी ओ और तीन स्ट्रक्चरल हैं, जेड वाई और ए। अब इनके हम जो है वो फंक्शन भी देख लेते हैं। जीन आई जिसको रिप्रेसर जीन कहा जाता है, तो जो रिप्रेसर जीन है ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है जिसको कहा जाता है रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए की जो सिंथेसिस है ये हमेशा होती रहती है, चाहे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो। तो ये ऐसा जीन होता है विच रिमेन्स ऑलवेज एक्टिव, इट इज कॉल्ड एज हाउसकीपिंग जीन और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सो सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस एंड एज सून एज द मैसेंजर आरएनए for the regulatory gene is synthesized, it is translated to form a protein called repressor protein. So this is the repressor protein, and this protein is always synthesized in the medium or inside the cell of the bacteria, whether the lactose is present or not. Then the promoter gene. Promoter gene is that part where the RNA polymerase enzyme comes and bind. So this is that site where RNA polymerase enzyme come and bind. यहां से transcription process की जो है वो शुरुआत होती है। तो ये promoter gene जो है ये RNA polymerase की binding site होती है। तीन है operator. Operator gene जो होता है ये वो site होती है जो work करता है as a switch. मतलब यहां पर एक प्रोटीन बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन आकर के यहां पर बाइंड होता है, और वो प्रोटीन डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चरल जीन की कॉपी होना है या नहीं होना है, मतलब आगे जो ट्रांसक्रिप्शन है स्ट्रक्चरल जीन का वो होना है या फिर रुकना है उसको। तो यहां से जो है उसको स्विच ऑफ या के स्विच ऑन किया जा सकता है, मतलब एक तरह से ये जो जीन है ये स्विच की तरह काम करता है, जो स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस को कब बंद रखना है और कब ऑन रखना है ये डिसाइड करता है। तीसरा जो है जेड जेड वाई ए, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है और ये तीनों जो है वो ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में हेल्प करते हैं। द एंजाइम विच इज सिंथेसाइज फ्रॉम जेड जीन इट इज कॉल्ड एज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। रिमेंबर द फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सी हियर बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहां लिखा हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज
into glucose and galactose. यहाँ देख सकते हैं उसका function. So with the help of this first enzyme, beta galactosidase, the lactose is broken down into glucose and galactose. Lactose is a disaccharide, whereas glucose and galactose both are monosaccharide. Bacteria जो है disaccharide के form में sugar को as a source of energy use नहीं कर सकते हैं. So that's why they have to convert this disaccharide into monosaccharide. So by the breakdown of lactose to monosaccharide sugar are produced with the help of this enzyme beta galactosidase. So this is the function of Z gene to synthesize beta galactosidase. Then the second structural gene is Y, and this Y gene is responsible for synthesis of enzyme permease. आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर पर लिखा हुआ है नाम परमीएस. द परमीएस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द परमियाबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर द अपटेक और एंट्री ऑफ द लैक्टोज. सो व्हेन परमीएस एंजाइम इज सिंथेसाइज इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल. रिमेंबर बिफोर इवन द सिंथेसिस ऑफ परमीएस द सेल मेम्ब्रेन इज स्लाइटली परमिएबल फॉर लैक्टोज. तो थोड़ा लैक्टोज ही जो है वो अंदर आ सकता था बिफोर सिंथेसिस ऑफ परमीएस. बट वंस द परमीएस प्रोटीन इज सिंथेसाइज इट इंक्रीजेस द इनफ्लो ऑफ द लैक्टोज इनसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया. सो दैट्स व्हाई द नेम परमीएस. इट इंक्रीजेस द परमियाबिलिटी ऑफ द सेल. द थर्ड एंजाइम जो कि जीन ए से सिंथेसाइज होता है इट इज कॉल्ड एज ट्रांस एसिटाइलेज. द ट्रांस एसिटाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप. साइमल्टेनियसली इट ऑल्सो हेल्प्स द बीटा गैलेक्टोसाइडेज टू ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प करता है ब्रेकडाउन करने में, और ये तीनों मिलकर के जो है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ईकोलाई में. तो ये तो हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं इनके जीन के प्रोडक्ट्स के ऊपर. ये तीन रेगुलेटरी जीन जो है रेगुलेटरी कॉम्पोनेंट जो है उनके फंक्शन के ऊपर. तो अब यहां पर हम इसका रेगुलेशन देखते हैं. तो रेगुलेशन तो इसका बहुत इजी है. तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिप्रेसर एमआरएनए जो के जीन आई से सिंथेसाइज होता है और ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता रहता है. तो यहां पर रिप्रेसर एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है कंटिन्यूअसली. फिर अगर मीडियम में मतलब सेल में इंड्यूसर अब्सेंट है, इंड्यूसर अब्सेंट का मतलब लैक्टोज अब्सेंट है, तो ये जो रिप्रेसर जीन होता है ये जाकर के बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर साइट के ऊपर. तो जब ये एक बार ऑपरेटर साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है तो यहां पर पी के ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ होता है वो इसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाता. और जेड वाई ए ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो रुका हुआ रहता है. तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ही रुक जाता है तीनों का. जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तीनों जीन का जेड वाई ए का तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन से पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर यहां पर जो है रेगुलेशन किया जाना है. तो जब तक कि यहां पर ऑपरेटर के ऊपर अपना रिप्रेसर जीन बाउंड होता है उस वक्त तक जेड वाई और ए का ट्रांसक्रिप्शन रुका हुआ होता है, और ट्रांसक्रिप्शन रुका हुआ होने की वजह से फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाता. इसलिए क्योंकि अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है, मतलब कि लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में, तो ये तीनों जीन अपने एंजाइम सिंथेसाइज करके क्या करेंगे, तो इसके लिए इनकी जरूरत नहीं होती है. तो ये जो फिनोमिनन होता है, ये जो स्टेट होती है इसकी ओपेरॉन की, इसको हम कहते हैं रिप्रेस्ड स्टेट. ये रिप्रेस्ड है मतलब अभी इस वक्त जो है यहां पर सिंथेसिस नहीं हो पा रही है. फिर जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो उस वक्त क्या होता है, अब लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इट
enters into the membrane, क्योंकि थोड़ा amount जो है lactose का entry कर सकता है. जैसे ही lactose जो है वो अंदर आता है cell के अंदर cytoplasm में, ये repressor protein को आकर के bind हो जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये repressor protein है, और ये इस तरह से जो elliptical structure दिखाया हुआ है ये inducer है. तो यहाँ पर ये inducer repressor को bind हो जाता है, मतलब यहाँ अपना जो lactose है वो इस repressor protein को bounded है. ये जो complex यहाँ देख रहे हैं, this is called inducer repressor complex, and this inducer repressor complex it unable to bound on operator. ये operator को जाके attach नहीं कर सकता. So now this operator site is free and the RNA polymerase enzyme is already attached at the promoter. तो यहाँ RNA polymerase तो पहले से ही present है, और operator भी जो है वो free site है अभी. तो वो इसको cross करता है, और Z, Y, A तीनों structural जो gene है उनको transcribe करता है. So after transcription you can see this is the single messenger RNA. This is called as lag mRNA. यहाँ पर ये direct lag mRNA जो है ये बनता है, क्योंकि ये prokaryote में हो रहा है तो इसमें splicing, capping, tailing की जरूरत नहीं होती है. डायरेक्ट यहां पर जो है हम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए देख रहे हैं, एंड दिस सिंगल मैसेंजर आरएनए इट पजेस द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो कि जेड वाई ए से कोड हो रहे थे, उनकी इंफॉर्मेशन इसके पास में है. तो इस तरह का मैसेंजर आरएनए मैंने पहले भी बताया था, इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए, बिकॉज दिस इज द प्रोकैरियोट. सो दे प्रोड्यूस पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर, सॉरी इट इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक, नो इट पजेस द थ्री इंफॉर्मेशन फॉर थ्री प्रोटीन, तीन प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है ना, तो इसके लिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे. हाँ, याद रखने के लिए मैंने बताया था तरीका कि प्रोकैरियोट से आप याद रख लीजिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोट्स के अंदर जो होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, एक आरएनए एक प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड. तो रिमेंबर ऑलवेज दिस इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए, जिसके पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट, यहां तक के हमने जो है जीन रेगुलेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है. नेक्स्ट हमको जो स्टडी करना है वो है जीनोमिक्स. तो हमको अभी दो टॉपिक जो है इसके अंदर स्टडी करना है, जीनोमिक्स में एक जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, और दूसरा हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. तो पहले तो हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं अभी. Okay, so this is our next topic, Human Genome Project. So Human Genome Project जो था, it is a mega project. एक mega project था, और इसके goals and objective भी अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं. So first we'll define the genome. Now genome is defined as the full DNA sequence of an organism. Particularly, all the sequence of nucleotides present on haploid set of chromosome. किसी organism के haploid set of chromosome पे total number of nucleotide और या के जो पूरी information होती है, उसको genome कहा जाता है. और इस project को start किया गया 1990 में officially. यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, it began worldwide effort के through इसको start किया गया 1990 में. और ईयर 2000 में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट. इसके टारगेट क्या थे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और इसकी डिस्कवरीज और आउटकम्स क्या हैं, ये अभी हम लोग यहाँ आगे देखेंगे इसके अंदर. द स्टडी ऑफ जीनोम इट इज कॉल्ड एज जीनोमिक्स, एंड द टर्म जीनोमिक्स वॉज कॉइंड लेटर. बाद में रॉडरिक नाम का साइंटिस्ट था, उसने जीनोमिक्स का टर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर जीनोम को स्टडी किया जाता है.
जीनोम की मीनिंग आपको समझ में आ गई, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ऑल द जीन, पर्टिकुलरली सारे जीन किसी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट पर जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं। अब इसके यहां पर जो है वो कुछ गोल्स लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, मतलब क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। सो द प्राइमरी गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन जीन। अब यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन जीन है वो 20,000 से 25,000 लिखे हुए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले जो एस्टिमेट था, मतलब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने जो सोचा कि कितने जीन हो सकते हैं इंसान के जीनोम में, इंसान के पूरे 23 क्रोमोसोम पर, तो जो एस्टिमेटेड आइडिया था वो था 80,000 से 1,00,000 जीन का, मतलब के 80,000 से 1,00,000 तक के जीन हो सकते हैं, ऐसा एस्टिमेटेड आइडिया था। लेकिन जब एक्चुअल डिस्कवरी हुई तो एक्चुअल डिस्कवरी के बाद में 20,000 से 25,000 जीन जो है आइडेंटिफाई हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट गोल यहां लिखा हुआ है, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप द टोटल ह्यूमन डीएनए। इट इज थॉट दैट नियर अबाउट 3 to 3.1 billion ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन टोटल ह्यूमन डीएनए। तो उन सबको सीक्वेंस करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्रोमोसोम वाइज सीक्वेंस करना और पूरा एक मैप तैयार करना इस सीक्वेंस का, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और फिर ये पूरी इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन होगी इसको डेटाबेस में, डेटाबेस मतलब कंप्यूटर्स के जो हार्ड ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, उनके फॉर्म में इनको स्टोर करना। तो जैसे जैसे जो है डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे ये मालूम हुआ कि बहुत बड़ा डेटाबेस जो है वो मिलने वाला है। और इनिशियली जो है ये बात समझ में आ गई थी कि इतना सारा डेटाबेस जो है इनको पेपर के ऊपर या किसी नोटबुक में या किसी रजिस्टर में लिख पाना और बाद में उसको डिट्राइव कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो साइमल्टेनियसली एक और फील्ड जो है वो डेवलप हुई इसी के पैरेलल, जीनोमिक्स के पैरेलल। उस फील्ड को कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो इसी के पैरेलल आई जीनोमिक्स की फील्ड के। तो इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हम यहां पर देखते हैं कि और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और डिटेल में। तो यहां तो हमने जीनोम की डेफिनेशन देख ली कि जीनोम क्या होता है। So first we will see the salient features of human genome. इसी में जो है जो discoveries हैं, जो outcomes हैं, वो भी इसी के अंदर include कर दिए गए हैं, इसमें detail में है। और ये पूरा का पूरा जो है एक paragraph के form में आपके NCERT की textbook में दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर point wise दिखा गया है। तो जितने भी gene discover हैं near about 20,000 से 30,000 तक, up to 30,000 तक, उसमें से 50% डिस्कोर्स्ड जीन का जो डिस्कवर्ड है अब तक का, उनका फंक्शन जो है वो अननोन है। सो वी नो द फंक्शन ऑफ ओनली अप टू द 50% ऑफ जीन। ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा पोर्शन नियर अबाउट 95% तक जो है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का बना हुआ होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं ये ज्यादा करके सेंट्रोमियर के आसपास और या के फिर टीलोमियर के आसपास और कुछ इंटरकलारी यानी इन बिटवीन द क्रोमोसोम, वहां पर रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, इनको टैंडम रिपीट भी कहा जाता है। और अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है तो उसको SNP कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब जैसे बार बार जो है वो एक एक न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है सिंगल सिंगल, और या के फिर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीट हो रहा है, तो उसको माइक्रो सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट इस तरह से नाम दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम इट इज मेड अप ऑफ द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस का बना हुआ एक बड़ा पोर्शन 95% तक होता है, और रिमेनिंग जो 3% 4% जो पार्ट है हमारे जीनोम का वो हमारे प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का होता है, जो कि कोई भी प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड को कोड नहीं करता।
नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा जो जीन है वो आइडेंटिफाई हुआ डिस्ट्रोफिन नाम का। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक डिजीज आपने स्टडी की होगी, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो लार्जेस्ट जीन होता है, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन जीन। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज 3164.67 मिलियन, मतलब 3164.7 मिलियन है इतने न्यूक्लियोटाइड जो है ह्यूमन के जीनोम में प्रेजेंट रहते हैं। कोई एवरेज जीन जो है वो 3000 बेसिस का बना हुआ होता है, एवरेज जीन। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ जीन और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको एक सिंगल जीन में आने वाले बेसिस मिलते हैं, तो उसका जो एवरेज है वो अप टू 3000 बेसिस तक जाता है। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन यहां लिखे हुए हैं 30000, तो बुक में 25 से 30000 तक दिया हुआ है, यहां पर मैक्सिमम अपर लिमिट लिखी हुई है। आगे एक चीज और लिखी हुई है, सेवंथ नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, लेस देन 2% जीन कोड फॉर प्रोटीन। जैसा मैंने अभी बताया कि नियर अबाउट 95% या उससे भी ज्यादा, कुछ बुक में 98% तक दिया हुआ रहता है, तो 95 से 98% तक जो है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, ये वाला पॉइंट। और अब बचा जो भी 2-3% वो या लेस देन 2% ऑफ जीन दे कोड फॉर प्रोटीन, तो जितने भी 30000 तक जो भी प्रोटीन्स हैं ये सभी प्रोटीन जो है वो लेस देन 2% जीनोम से ही कोड होके बनते हैं। और इसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन रखने वाला क्रोमोसोम है। अकेले क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही 2968 जीन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम 25000 जीन भी लेते हैं तो उसमें से लगभग 3000 के करीब करीब जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। एंड रिमेंबर वन थिंग, क्रोमोसोम नंबर 1 वाज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। क्रोमोसोम नंबर 1 आखिरी क्रोमोसोम था जिसको सीक्वेंस किया गया। ईयर 2000 तक जो पूरा ड्राफ्ट था ह्यूमन जीनोम का वो कंप्लीट हो गया था, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये रिमेनिंग था। तो क्रोमोसोम नंबर 1 को फिर लास्ट में 2003 तक उसको सीक्वेंस करके फिर अनाउंस किया गया पूरा प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद में उसको प्रोसेस किया गया। वाई क्रोमोसोम जो होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम एंड इट पजेस 231 जीन। तो वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है जिसके ऊपर 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। सो लेट्स वी नाउ सी द आउटकम, मतलब हमको क्या मिला, डिस्कवरीज जिसको हम कहेंगे, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यू कैन सी हियर इट द स्लाइड। कई बार बहुत सारे नाइट्रोजन बेस अपने आप को एक के बाद एक टैंडमली रिपीट करते हैं,
टेंडम रिपीट का मतलब एक के बाद एक अपने आप को रिपीट करना। ह्यूमन जीनोम जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सिमिलर है। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है चिंपैंजी से, गोरिल्ला से और अदर प्राइमेट्स से। फिर मोर देन 1800 डिजीज जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो जब सीक्वेंसिंग हुई तो 1800 अलग अलग ऐसी डिजीज आइडेंटिफाई हुई जिनमें जो कि जीन से कॉज होती है। इसमें से बहुत सारे जो है वो कैंसर कॉज करने वाले जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। तो नियर अबाउट 300 जीन अब तक के आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो के ट्यूमर कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, अगर वो एक्टिवेट हो जाए किसी ट्यूमर इंड्यूसिंग एजेंट से या ऑन्कोजेनिक एजेंट से। फिर ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है इसकी सीक्वेंसिंग करने के बाद में ह्यूमन जीनोम मैप बनाया गया पूरा। तो दो टाइप का मैप भी इसके अंदर बनाया गया, एक को कहते हैं हम फिजिकल मैप जहां पर हम जीन टू जीन फिजिकल डिस्टेंस स्टडी करते हैं, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है लिंकेज मैप। तो लिंकेज मैप जो है वो ये बताता है कि कोई जीन एक दूसरे से कितनी दूर है और उनके बीच में कितना परसेंट चांस क्रॉसिंग ओवर का है। तो ये चीजें जो है बताई गई। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू था उसके आउटकम का कि क्या क्या उसकी डिस्कवरीज थी, आउटकम या डिस्कवरीज थी। तो यहाँ पर हमारा जो ये ह्यूमन जीनोम वाला पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। Now we will see the next and last topic of the chapter. It is the DNA fingerprinting, the process of DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting क्या है? It is the identification technique, जिसके basis पर हम लोग जो है किसी particular person को identify करते हैं। And this technique was first time introduced by Alec Jeffrey. एलेक जेफरी ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ही इज नोन एज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो इसमें जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है, सबसे पहले मैं इसका बेस आपको बता देता हूं। जो बेस है इसका वो है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो कई जगह पर जो है रिपीटेड सिक्वेंस से मिलकर के बना होता है। तो उसी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट के बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर पर, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से इसको पूरा परफॉर्म करते हैं, इसके प्रोसेस को यहां पर शो किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां टेस्ट ट्यूब में सैंपल कलेक्ट किया गया है। यहां पर ब्लड सैंपल दिखाया हुआ है, बट वी कैन टेक एनी सैंपल फ्रॉम वेयर द डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो ब्लड जो है ये सबसे कन्वीनियंट सैंपल है जहां से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्लड के अलावा सीमन सैंपल से भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या कि अगर कहीं पर जो है वो कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन पर अगर हमको कोई ऐसा सैंपल मिलता है तो जिसके अंदर सेल होने के चांसेस हैं वहां से इसको आइसोलेट किया जा सकता है। तो ब्लड से यहाँ पर इजीली इसको कन्वीनियंटली आइसोलेट कर सकते हैं। सो ब्लड जो है यहाँ पर उसको डायल्यूट करके लिया गया है, बहुत डायल्यूट करके। कई बार इसको जो है फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, डायरेक्ट हम ब्लड में से जो है वो डीएनए नहीं निकाल सकते, पहले इसको कई बार सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। फाइनली जो है विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल, उसमें टेस्ट ट्यूब में हम चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं डीएनए को, और फिर उसको आइसोलेट करते हैं। सो वंस द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड सेल, ये यहां पर हम पूरा सीक्वेंस ये देख रहे हैं, थ्रेड लाइक पूरा मटेरियल। फिर इसको जो है फ्रेगमेंटाइज किया जाता है, मतलब इसको कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पर कट करके दिखाया हुआ है, ये टुकड़े दिख रहे हैं, और फिर इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह की आइसोलेशन टेक्निक होती है
जिसके ऊपर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, रन करते हैं। पहले यहां पर अगारोस जेल की पूरी स्लैब बनाई हुई रहती है और फिर डीएनए को लोड करते हैं और फिर उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करके रन करते हैं। तो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रेगमेंट छोटे छोटे, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट है। जब ये रन होते हैं तो ये अपने मॉलिकुलर वेट वाइज सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। सो द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बैंड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल के ऊपर उसको हमने यहां सेपरेट किया है। फिर नेक्स्ट जो है, हम अगारोस जेल को या जेल स्लैब को हैंडल नहीं कर सकते तो उसको ट्रांसफर करना होता है। इसको कहा जाता है ब्लॉटिंग टेक्निक। तो फिफ्थ स्टेप है द डीएनए बैंड पैटर्न इन द जेल इज देन ट्रांसफर टू अ सॉलिड सपोर्ट। यहां जो सॉलिड सपोर्ट हम यूज करते हैं इट इज द नायलॉन मेम्ब्रेन, इसके ऊपर हम इसको ट्रांसफर करते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पर बाय अ टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग नाम की टेक्निक से इसको इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन एक बार जब हमने नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दिया तो नेक्स्ट जो है इस नायलॉन मेम्ब्रेन को फ्लडेड किया जाता है, मतलब इसको मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो कि आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए हुए रहते हैं। इससे हम लोग इसको फ्लडेड करते हैं, अटैच करवाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव जो प्रोब होता है ये जाकर के इससे बाइंड हो जाता है। फिर जो डीएनए प्रोब होता है ये डीएनए प्रोब हमारे सेपरेटेड जो बैंड्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे जाकर के उस कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग करता है। यहां देख सकते हैं लिखा हुआ था डीएनए प्रोब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस ऑन द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो एक्सेस ऑफ प्रोब है उसको अल्कली से वॉश करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसको वॉश करके निकाल दिया जाता है। ये जितना बाउंड प्रोब होता है खाली उतना ही बचता है बस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है देखो यहां पर लिखा है एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिव प्रोब इज बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन जो शीट है इसको हम अटैच करते हैं एक्सरे फिल्म से, इसको कहा जाता है एक्सरे फोटोग्राफी। तो एक्सरे फिल्म को इसके ऊपर, शीट को इसके ऊपर कट करके रखा जाता है। तो ये जो भी यहां पर बाउंड प्रोब और सीक्वेंस है बैंड जैसा यहां था वैसा ही उसी तरह का एक पूरा पैटर्न हमारी एक्सरे शीट के ऊपर यहां डेवलप हो जाता है। इसलिए एक्सरे शीट यूज करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन करना इजी होता है। तो यहां जो हम बैंड्स देख रहे हैं ये बैंड्स हमारे डीएनए के ही बैंड है जो इस स्लैब पर, जेल स्लैब पर डेवलप हुए थे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है क्राइम सीन पर मिला हुआ डीएनए पूरा इसी तरह से प्रोसेस करके बैंड डेवलप करते हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं फिर उनका भी इसी तरह से फिंगरप्रिंटिंग करके ऐसे बैंड्स डेवलप करते हैं। फिर क्राइम सीन पर मिला हुआ डीएनए और सस्पेक्टेड पर्सन का जो बैंड्स हैं और जो फिंगरप्रिंटिंग जो डीएनए होता है उसको कंपेयर करके फिर वहां से जो क्रिमिनल होता है उसको पकड़ा जाता है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये जो टेक्निक है एक बहुत सेंसिटिव टेक्निक है और एक्यूरेट टेक्निक मानी जाती है, एरर के चांसेस जो है वो कम होते हैं इसके अंदर अगर प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया तो। इस टेक्निक को जो है डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक भी कहा जाता है। एक्चुअली वर्ड फिंगर प्रिंटिंग जो है वो थोड़ा मिसलीडिंग वर्ड होता है, सुनने वाले को ऐसा लगता है कि फिंगर का प्रिंट होता होगा, तो यहाँ फिंगर का प्रिंट नहीं होता बल्कि ये एक तरह से आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जिसको हम लोग डीएनए के बेसिस पर परफॉर्म करके कोई पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल टेक्निक। यहां पर जो है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर अपना ये लेक्चर जो है कंक्लूड करते हैं।